सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स. सो गाइस हैप्पी रक्षाबंधन डे टू यू एंड ऑल माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. सो गाइस आज हम लोग यहां पर आपके लिए लेकर आ चुके हैं द लिटिल मैथ गर्ल के क्वेश्चन आंसर. हमने इसका एक डिटेल वीडियो लेक्चर बना दिया है, अब हम लोग इसके एमसीक्यू लाएंगे. उससे पहले यहां पर हम लोग इसके कुछ क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. तो गाइस सबसे पहला क्वेश्चन आता है विच डे ऑफ द ईयर वॉज इट इज इन द स्टोरी, मतलब किस इस स्टोरी में किस डे की बात की जा रही है. तो इट वॉज द टेरिबरी कोल्ड, इट स्नोड एंड इट वॉज अ नाइसली क्विट कलर, इट वॉज न्यू ईयर. से मतलब जो जैसे कल हमारा न्यू ईयर है तो उसकी उसकी शाम होती है तो उसे हम लोग बोलते हैं न्यू ईयर्स ईव. तो हमारा जो दिन था इस स्टोरी में जब ये पोएम स्टोरी बताई जाए तो वो क्या था, न्यू ईयर्स ईव. डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ द गर्ल, व्हाई डिड द गर्ल कैरी इन पॉकेट. तो जब द लिटिल गर्ल वॉज बेयर हेडेड एंड बेयर फुट, मतलब वो नंगे सिर थी, उसके सर में न टोपी थी न पैर में चप्पलें थी. इन द फ्रीजिंग कोल्ड एस सी हैड लॉस्ट द स्लीपर सी हैड वॉन विच बिलोंगर टू हर मदर एंड वेयर टू लॉज, मतलब अब अगर आप इमेजिन कर ही सकते हो अगर कोई स्लीपर थे जो कि आपकी मम्मी के दो आपके बड़े पड़ेंगे तो वो गिरने की ज़्यादा चांस होगा. उसी तरह जो उसकी लड़की थी लिटिल मैच गर्ल थी गर्ल थी उसकी भी स्लीपर्स उसी तरह गिर गए थे. ही फीट वेयर क्विट रेड एंड ब्लू फ्रॉम कोल्ड, मतलब ठंडी के मारे पैर लाल और नीले हो रहे थे. द लिटिल गर्ल कैरीड अ क्वांटिटी ऑफ मैचेस इन एन ओल्ड एप्रन एंड सी हैड अ बंडल ऑफ देम इन हर हैंड, मतलब उसने कुछ जो है अपने एप्रन में रखी थी मैच स्टिक्स और कुछ अपने हैंड में. तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, हैड सी मैनेज टू सेल एनी मैचेस. नो, मतलब उस दिन वो एक मैचेस बेच नहीं पाई थी क्योंकि उसकी मैचेस कोई भी नहीं खरीद रहा था. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हाउ डिड सी ट्राई टू कीप हरसेल्फ वार्म, अब वो अपने आप को वार्म करने के लिए कौन कौन से मेथड यूज़ करते. सबसे पहला वो जो है टाइम टू, मतलब कि पहले तो उसने सोचा कि मैं एक मैच स्टिक जलाऊंगी तो मेरे पापा डांट देंगे. फिर बाद में उसने सोचा कि एक मैच स्टिक जलाने से उनको तो कुछ पता चलेगा नहीं, तो वो इसी तरह करके अपने आप को बार बार वार्म कर रही थी. देन डिस्क्राइब द क्रिसमस ट्री, जब उसने थर्ड विजन देखा, मतलब जब उसने फोर्थ टाइम जो है जब अपने फोर्थ टाइम उसने मैच स्टिक चलाया तो उसने देखा कि वो एक बहुत बड़े क्रिसमस ट्री के नीचे है जहाँ पर बहुत सारे गिफ्ट रखे हुए हैं. द क्रिसमस ट्री वॉज ब्यूटीफुली डेकोरेटेड दैट वेयर थाउजेंड ऑफ टेपर्स वेयर बर्निंग अपॉन द ग्रीन ब्रांचेस एंड द कलर पिक्चर लाइक दोस सी हैड सीन इन द शो विंडोज लुक डाउन, मतलब वो जब वो माचिस जला वो मैजेस्टिक जलाती तो उसे कोई ना कोई विजन आता था. जब चौथी मैजेस्टिक उसने जलाई स्क्रैच करके तब उसने देखा कि मैं बहुत बड़े क्रिसमस ट्री के नीचे बैठी हुई हूँ, तो ये उसका विजन था. फिर पूछा गया व्हाट हैपेंड व्हेन शी स्ट्रेच हर हैंड टू टच, एज सून एज शी स्ट्रेच हर हैंड टू टच द मैच वेंट आउट एंड ओके. जब उसने सोचा कि मैच क्रिसमस ट्री से कोई गिफ्ट निकाल लेती है उसे टच कर लेते हैं, जैसे उसने टच करने को चाहा तैसे ही जो उसकी मैच स्टिक थी वो क्या हो जाती है, बुझ जाती, तो उसके मतलब बुझ जाती है ख़त्म हो जाती है. तो क्या हो जाती है, वो जो क्रिसमस ट्री होता है वो गायब हो जाता है और वो फिर रह जाती है. उसके बाद पूछा क्या है व्हाई डिड द गर्ल थिंक दैट समवन इज डाइंग, वो क्या मतलब कि गर्ल की लड़की क्यों सोच रही थी कि किसी कोई मर गया है. उसकी माम उसकी दादी ने कहा था कि अगर कोई तारा नीचे आता है तो समझ लीजिए किसी की आत्मा ऊपर जाए. तो आंसर है द गर्ल थॉट दैट द समवन इज डाइंग बिकॉज हर ओल्ड ग्रैंड मदर द ओनली वन हु हैड एवर लव्ड एंड हु वाज नाउ डेड हैड टोल्ड दैट व्हेन आई स्टार फॉल्स अ सोल वाज गोइंग अप टू द गॉड, मतलब जब कोई तारा गिरता है तब कोई आत्मा जो है भगवान के पास जाती है. फिर हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट डिड द गर्ल से टू हर ग्रैंड मदर एंड व्हाई, तो जो लड़की थी उसने अपनी दादी से क्या कहा और क्यों कहा. तो जो लड़की थी द गर्ल प्लीज दैट विद द हर ग्रैंड मदर टू टेक हाउ, उसने अपनी दादी से कहा मुझे भी अपने साथ ले चलो, मुझे भी अपने साथ ले चलो क्योंकि यहाँ पर मुझे कोई प्यार नहीं करते, यहाँ पर सब मुझे से काम करवाते हैं, तो मैं वहाँ पर आपके साथ चलूँगी. एंड दे सेड शी हैड ट्राइड टू वार्म हरसेल्फ ओके. देन वेयर डिड द गर्ल सीक सम शेल्टर फ्रॉम द कोल्ड, द गर्ल इन ऑर्डर टू एस्केप द फ्रीजिंग क्लाउड हडेड इन अ कॉर्नर बिटवीन, हाँ जब उसने अपने आप को ठंडे से बचाने के लिए जो दो घर के कॉर्नर होते हैं वहाँ पर जाके बैठ गई और अपने सर को अपने ऐसे करके बैठ गई, मतलब अपने पैर को अपने अपना सर अपने पैर में घुस मतलब एकदम चट चिपका ली थी ताकि उसको ठंडी न, लेकिन फिर भी वो उसने कोशिश किया मैं मैजेस्टिक जला के अपने आप को वार्म रख सकती हूँ, लेकिन वहाँ पर उसको अपने पापा की याद आती जो कि कहते कि मैजेस्टिक बेच के आना और ये भी कम नहीं होनी चाहिए, तो वो उसको डर लग रहा था, लेकिन फिर भी उसने आधी मैजेस्टिक ख़त्म कर दी थी. देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाई कुड द गर्ल नॉट गो टू होम, लड़की जो लड़की थी वो घर क्यों नहीं जा रही थी. लड़की घर इसलिए नहीं जा रही थी क्योंकि उसके पापा ने कहा था कि बिना मैजेस्टिक बेचे हुए घर मत आना. तो द लिटिल गर्ल डिड नॉट डेयर टू गो टू होम फॉर सी हैड सोल्ड नो मैचेस एंड कुड नॉट टेक होम इवन अ पैनी ऑफ मनी, हर फादर वुड सर्टेनली वेट फॉर
अर्निंग नो मनी, मतलब उसके पापा बेशक उसे मारेंगे क्योंकि उसने एक भी पैसा नहीं कमाया था। सो गाइस ये था हमारा द लिटिल मैन गर्ल क्वेश्चन आंसर। अब हम लोग यहाँ पर आपके लिए उसके एमसीक्यू लाएंगे। सो गाइस वीडियो में लास्ट वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वंस अगेन हैप्पी रक्षाबंधन टू यू एंड ऑल माई ब्रदर्स एंड सिस्टर। बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे।